चलो एक बार अब क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन याद है कौन सा करवाया? विधि फिर सम ऑफ पाई बॉन्ड्स इन परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, यानी 45 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फॉस्फोरस फॉर्म्स कंपाउंड ए। फॉर्म्स ए विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बी। गिव्स बी ए एंड बी आर, ए एंड बी आर, ये बताना तुम्हें। अब नेक्स्ट है, कलर बताने हैं फ्लेम के अंदर। पोटेशियम का कलर होगा, पोटेशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रॉन्शियम का, बेरियम का। क्वेश्चन क्लियर है ना? नेक्स्ट, रिएक्शन ध्यान नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्शन रेलिवेंट टू फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन। फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन, सही है? फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन, ये 3-4 बार आ चुका है आईआईटी मेंस में, सही ना? 3-4 बार आ चुका है आईआईटी मेंस के अंदर। ये दे रखी है, NO2 सनलाइट की प्रेजेंस में एक्स प्लस वाई मिल रहा है, एक्स प्लस वाई मिल रहा है, एक्स में ए डाला, बी मिल रहा है, आइडेंटिफाई करने हैं ऑल दीज, एक्स ए एक्स वाई ए बी, ये आइडेंटिफाई करना है, सही है? एक्स वाई ए बी आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है इन कैटायंस की रेजेंट्स। ये कैटायंस दे रखे हैं, इन कैटायंस की रेजेंट बताने हैं। Pb2+, Cu2+, Al3+, Fe3+, Ca2+, Co2+, Ni2+, Ba2+, Ca2+। इसका क्या रेजेंट होगा, इसका रेजेंट क्या होगा, इसका रेजेंट और इसका रेजेंट पढ़ेगा ना ग्रुप बेसिक रेडिकल्स, उनके रेजेंट्स बताने तुम्हें। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? और लास्ट क्वेश्चन को लिखेंगे, कंपाउंड ए, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद NH4Cl टू गिव बी, टू गिव बी, बी रिएक्ट्स विद H2O, बी रिएक्ट्स विद H2O एंड एक्सेस ऑफ CO2 टू फॉर्म सी। एक्सेस CO2 टू फॉर्म सी,
H2O एंड एक्सेस ऑफ CO2 टू फॉर्म C, विच ऑन पासिंग थ्रू और रिएक्शन विद पासिंग थ्रू और रिएक्शन विद सेचुरेटेड NaCl, सेचुरेटेड NaCl फॉर्म्स NaHCO3, फॉर्म्स NaHCO3। तो बताना ए बी और सी क्या होंगे, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है सबको? निकालो आंसर।
हाँ हो गए क्वेश्चंस विधि। यस सर। चलो देखेंगे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर बोलना विधि। PCL3 और H3PO3। हाँ बिल्कुल सही है, PCl3 एंड H3PO3 ग्रुप 15 के डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। P4 थायनोक्लोराइड है, P4 प्लस SOCl2 क्या आएगा, PCl3, और PCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO3, तो H3PO3 आ जाएगा। और अब यहाँ पे कलर बताने तुम्हें इसके, ये तो तुम्हें पता है फ्लेम कलरेशन वाले कलर्स। बोलो विधि, पोटेशियम का वॉयलेट, पेल वॉयलेट, हाँ, कैल्शियम का ब्रिक ब्रिक रेड, क्रिम्सन, रेड, स्ट्रॉन्शियम का हाँ और फिर ग्रीन एप्पल। एप्पल ग्रीन, सही है बिल्कुल सही है, ये करा रखे ना एप्पल ग्रीन। फिर रिएक्शन रेलिवेंट टू फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन, डायरेक्ट भी आता है सही ना, डायरेक्ट भी आता है, NO2 है, सनलाइट आएगा तो क्या होगा इसमें, चेक करो एक बार। ये देखो NO2 है, NO2 सनलाइट, सनलाइट डालेंगे क्या होगा, X+Y, X+Y NO2, ये पता है ना सनलाइट से क्या होगा, रेडिकल में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, NO+O आ जाएगा। अभी क्या है, XNO है या YNO है ये नहीं पता अभी, ये रख दिया। फिर X में A डाला, X में A डाला तो B मिल रहा है, X में A डाला तो B मिल रहा है। यहाँ पे ना ऑप्शंस देखते ना तो उससे आसानी से हो जाता, ऑप्शन देखोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें एनओ में बी मिल रहा है ना ये, तो तुम अगर जैसे एनओ में हाफ ओ टू डालें तो एनओ टू मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन देना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को तुम याद कर लेना कि ऑप्शन देख के ही होगा ये वाला क्वेश्चन, मेरे को ऑप्शन देना चाहिए एक्चुअली में, इस क्वेश्चन ने ऑप्शन नहीं दिया तुम्हें इसके अंदर। तो यहाँ पे एक्चुअल में ओ आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ओ टू आएगा, ओ ए में ये ओ टू आएगा और मिल जाएगा ओ थ्री, बी मिलेगा ओ थ्री। तो एक्स जो है वो ओ है, ये आगे भी आएगा दो तीन बार क्वेश्चन, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आएगा तो इसको याद कर लेना जरूर। और ये एनओ, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये O2 से रेड करके O3 दे देगा। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, मैं दोबारा बता देता हूं तुम्हें, रिएक्शन रेलिवेंट टू फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन, फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन जो होता है लाइट की प्रेजेंस में होगा, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ये लाइट की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होता है, ये क्लासिकल स्मॉग होता है रिड्यूसिंग स्मॉग। तो NO2 जो है सनलाइट की प्रेजेंस में टूटेगा नेसेंट ऑक्सीजन, और NO के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन जो है O2 के साथ कंबाइन करके O3 बनाएगा। ये तीन रिएक्शन याद कर लेना जरूर, ये आगे भी यूज होंगे अभी। अच्छा अब अगला जो है, ये इनके ग्रुप रिएजेंट बताने थे, Pb2+ Cu2+ का रिएजेंट तो बताइए, HCl और H2S, HCl H2S, Fe3+ Al3+ का, Fe3+ Al3+ H4OH and H4Cl। हाँ, NH4Cl प्लस NH4OH, ये सब मेंस के क्वेश्चन है, CO2+ Ni2+ NH4OH प्लस H2S, और ये वही बाटा शू कंपनी वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा, NH4O2 CO3 याद आ गया कि नहीं, प्लस NH4OH। तो ये रेजेंट्स है इसके, लास्ट क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन से और बेटर समझ आएगा लेकिन फिर भी देखना एक बार, फिर भी देखना। देखो देखो, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद NH4Cl टू गिव बी, बी में H2O और CO2 एक्सेस में पास किया हुआ है, तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे बाइकार्बोनेट बनेगा, यहाँ पे जब भी H2O और CO2 एक साथ पास करते हैं किसी कंपाउंड में तो बाइकार्बोनेट ही बनता है। जैसे मान लो अगर ये Na2CO3, ये हालांकि एमोनिया ये है ना NH4Cl, इसमें भी ऑप्शन के बिना नहीं होगा, ऑप्शन से ही ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन, ये ऑप्शन से ही ज्यादा बेटर समझ आएगा क्वेश्चन।
तो इसमें भी ये बस ये ध्यान रखना, H2O प्लस CO2 जब भी दोनों पास करते हैं तो मतलब बाइकार्बोनेट बनता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाए, बेरियम बाइकार्बोनेट बन जाए, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाए, और अमोनियम क्लोराइड में तो कभी भी अल्कली डाला हुआ है, अमोनियम बाइकार्बोनेट में कभी भी अल्कली डाला हुआ है, कंपाउंड अल्कली है, ये ऑप्शन देख के ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन। कभी भी अल्कली डालेंगे तो अमोनिया गैस निकलेगी, ज्यादातर केसेस में अमोनिया या PH3 गैस होती है। यहाँ पे PH3 का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि NH4Cl ही है। वीकर बेस जो है डिस्प्लेस हो जाएगा अल्कली से, वीकर बेस क्या है अमोनिया, अमोनिया बाहर निकल गया तो अमोनिया में H2O प्लस HCO2 पास किया तो ये मिल जाएगा NH4HCO3, NH4HCO3, NH4HCO3 में NaCl डालेंगे सेचुरेटेड फॉर्म में तो आंसर आ जाएगा NHCO3। तो इसलिए करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन में अल्कली जो है वो यहाँ पे NaOH जा सकता है या फिर CaOH, तो ऑप्शन में CaOH दे रखा था। तो ये दो क्वेश्चन इसमें से बिना ऑप्शन के नहीं होंगे, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन के साथ में हो जाते हैं। अच्छा तीन क्वेश्चन में किसके सही हुए हैं, तीन क्वेश्चन जो है फ्लेम कलरेशन विधि के तीनों सही हैं। क्रिशन सही हुए हैं तेरे तीनों के? नहीं, दो ठीक है। तीन में से, और बाकी ये दो दो मैंने जो बताया वो देख लिए ना एक बार ढंग से, यस सर। कर जरूरी ना, छोड़ना नहीं उनको भी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेंस के क्वेश्चन है। चलो जिसमें ऑप्शन होगा ना मैं ऑप्शन देना पड़ेगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन डज नॉट अकर इन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, विच रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी ये बताना तुम्हें। FeS+O2 गिव्स FeO+SO2, बी Cu2S+O2, Cu2O+SO2, Cu2O+SO2, सी FeO+SiO2, FeSiO3, डी CaO+SiO2, CsiO3, कौन सी रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट, एक वर्ड में लिख रहा हूं मैं, सिमिलर म्यू किसका है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, V3+, V3+, Cr3+, Fe2+ और Ni3+। तुम्हें बताना है सिमिलर म्यू किसका है, इसमें सही है सिमिलर म्यू किसका है। क्वेश्चन क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बताना कितने हैं इसमें से। NaCN4 2-, NaCO4, NaCl4 2-, FeCN6 4-, CONH3 होल 4 2+, FeCN6 3-, FeH2O6 2+। टू पॉजिटिव, तुम्हें बताना नंबर ऑफ पैरामेट्रिक स्पीसीज कौन से हैं। तो लगभग दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो लगभग सिमिलर टाइप के, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स, ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन इज कितना
कितने होंगे? सेम, एक क्वेश्चन लिखेंगे। कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, सीओ एंड सीओ टू, सीओ एंड सीओ टू। ये एसर्शन है, ध्यान रखना। सीओ इज न्यूट्रल, वेर एज सीओ टू इज एसिडिक। सीओ टू इज एसिडिक, रीजन। सीओ टू कैन कंबाइन विद एच टू ओ इन ए लिमिटेड वे। सीओ टू कैन कंबाइन विद एच टू ओ इन ए लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। फॉर्म कार्बोनिक एसिड व्हाइल सीओ इज स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली लिखना, एसपी लिख रहा हूं मैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। करो ये क्वेश्चन, कितने दिए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच अब दिए हैं। दोबारा नोट कर लिया सबने क्वेश्चन ये? लास्ट वाले नहीं किया अभी। अच्छा कर लो नोट। हाँ चल लास्ट बोल वाले को एक बोल। बार आज रिपीट कर दो। आर कह रहा है कि सीओ टू कैन कंबाइन विद एच टू ओ इन लिमिटेड वे टू फॉर्म एच टू सी ओ थ्री व्हाइल सीओ इज स्पेरिंगली सोल्युबल इन वाटर। सही है। यस।
हाँ हो गए। यस सर। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ई एस प्लस ओ टू गिव्स एफ ई ओ प्लस एस ओ टू, ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कॉपर के एक्सट्रैक्शन में होती है। सी यू टू एस प्लस ओ टू होती है, एफ ई ओ प्लस एस आई ओ टू ये स्लैग फॉर्मेशन में होता है, ये होती है। तो तुम्हें दिख भी रहा होगा, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम इतना तो जज कर सकते हो यहाँ पे कि इन दोनों में से कोई एक नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक सिमिलर रिएक्शन है। दोनों क्या सिमिलर रिएक्शन है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, फोर्थ नहीं होगी, फोर्थ नहीं होगी। सही ना, कॉपर की एक्सट्रैक्शन मैंने तुम्हें करवा रखी है, सही ना। सी यू एफ एस टू कॉपर पाइराइट ओर में ओ टू डालते हैं तो सी यू टू एस प्लस एफ एस मिलता है कॉपर मेटे, फिर सी यू टू एस में ओ टू डालेंगे तो सी यू टू ओ मिलेगा। सी यू टू ओ बचे हुए सी यू टू एस के साथ सेल्फ रिडक्शन करेगा, ऑटो रिडक्शन करेगा और सी यू प्लस एस ओ टू मिल जाएगा। और एफ ई एस जो है वो ओ टू के साथ कंबाइन करके एफ ई ओ बनाएगा, एफ ई ओ एस आई ओ टू फ्लक्स के साथ कंबाइन करके एफ ई एस आई ओ थ्री बनाएगा। पांच रिएक्शन थी, ब्लिस्टर्ड कॉपर मिलता था इसमें, ये कराया हुआ, सही है। अच्छा नेक्स्ट है, सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट वी थ्री प्लस है, वी थ्री प्लस आर्गन फोर एस टू, थ्री डी थ्री होता है ये, तो ये थ्री डी टू हो जाएगा, ये हो गया थ्री डी टू, दो अनपेयर्ड। सी आर थ्री प्लस थ्री डी थ्री होगा, तीन अनपेयर्ड। एफ ई टू प्लस थ्री डी सिक्स होगा, चार अनपेयर्ड। एन आई थ्री प्लस ये हो जाएगा दो, यहाँ से थ्री डी सेवन, तो तीन अनपेयर्ड, यानी आंसर आ गया सी आर थ्री प्लस और एन आई थ्री प्लस, यही आंसर निकाला किसी ने, ये किसी के यस करेक्ट हुए दोनों के सर, नहीं, यस सर। ये दोनों करेक्ट हुए थे। हाँ नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, ये वीबीटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एन आई सी एन फोर टू नेगेटिव, डीएसपी टू आएगी हाइब्रिडेशन, कोई भी अनपेयर नहीं बचेगा, ये डायमैग्नेटिक है। एन आई सी ओ फोर फोर एस टू थ्री डी एट होता है, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, कोई भी अनपेयर नहीं आएगा, एसपी थ्री हाइब्रिडेशन है। हाइब्रिडेशन लिखते रहना, ये भी पूछ सकते हैं, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। एन आई सी एल फोर टू नेगेटिव, वीक फील्ड डब्ल्यू एफ एल एस के साथ, एन आई प्लस टू है, आर्गन थ्री डी एट है, तो थ्री डी एट है तो दो अनपेयर होंगे, रूट एट मैग्नेटिक मोमेंट होगी, और हाइब्रिडेशन होगी इसकी sp3, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी। Fe-CN6-4 नेगेटिव, Fe पे चार जाएगा 2 प्लस, 3d6 है, बैक पेयरिंग हो जाएगी T2G के अंदर, और इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडेशन d2sp3, हाइब्रिडेशन होगी d2sp3। Cu-Na3-4 टू पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, Cu2 प्लस है, आर्गन 3d9 होगा, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, याद है कि नहीं है, डीएसपी टू हाइब्रिडेशन है, एक पी में चला जाएगा, फोर लास्ट में पी में, पी में चला फोर पी गया में था। जाएगा, फोर पी में चला जाएगा, डीएसपी टू हाइब्रिडेशन आएगी, स्क्वायर प्लेनेट शेप आएगी, एक कंपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। और Fe-CN6-3 नेगेटिव, Fe-CN6-3 नेगेटिव क्या होगा, इसमें तो 3 प्लस ही है, ये तो सीधा ही पैरामैग्नेट पैरामैग्नेटिक है, D2sp3 पैरामैग्नेटिक। और Fe2 प्लस ये भी 3d6 है, वीक फील्डिंग एंड है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक, सही, ये भी पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। कितने पैरामैग्नेटिक आ गए, चार अनपेयर, चार आएंगे पैरामैग्नेटिक, सही ना, चार पैरामीटर आएंगे। टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन इज, निकाला ये सिक्स। सिक्स, यहाँ तीन अनपेयर और तीन लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ दो लोन पेयर, तीन एक दो छह आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स सीओ एंड सीओ2, सीओ एंड सीओ2 दो बना रहा है ऑक्साइड, ये सीओ इज न्यूट्रल, बिल्कुल सही है, न्यूट्रल हमारे पास तीन होती है, सीओ एंड टू ओ, सीओ एन टू ओ और एनओ, एक और भी है न्यूट्रल वैसे तो ओ एफ टू, इसको भी न्यूट्रल में काउंट करते हैं, बट सीओ टू इज एसिडिक, बट सीओ टू इज एसिडिक, तो सीओ टू में, सीओ टू में एशो डालेंगे तो कार्बनिक एसिड मिल रहा है तो एसिडिक नेचर है, और सीओ पानी में कम सॉल्यूबल है, क्या शो कर रहा है ये कि ये न्यूट्रल है, शो कर रहा है कि न्यूट्रल है ना, नो रिएक्शन विद वाटर शोइंग दैट इट इज न्यूट्रल, तो इसलिए दोनों सही है, एसर्शन भी, रीजन भी करेक्ट, करेक्ट रीजन भी है इसका, तो किसके सही है पांचों, किसी के सही हुए हैं, गलत पांचों सही दे रहे, यस और किसी के सही हुए हैं, चार किसी के सही हैं, नहीं एक एक क्वेश्चन बहुत ढंग से करना, ध्यान रखना मिस मत करो बिल्कुल भी, विधि के सही हैं चार। चलो अब एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन सुन लेंगे, आंसर दे देना है पहले, जल्दी से सुन लेंगे। अमोनियम सॉल्ट, ये उसका है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, अमोनियम सॉल्ट्स प्रोड्यूस हेज इन एटमोसफेयर, लिखते रहना जरूर, प्रोड्यूस हेज इन एटमोसफेयर। बी ओजोन गेट्स प्रोड्यूस ओजोन गेट्स प्रोड्यूस्ड
व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन रेडिकल्स व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन रेडिकल्स पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स, पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स को पीसीबी बोलते हैं ना, पीसीबीज, पॉलीक्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स एक्ट एज क्लींसिंग एजेंट। लास्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है मेंस में। ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू एक्सेस सल्फेट आयंस NH2। चार दे दिए, चार में से कौन से करेक्ट है? मल्टीपल चॉइस में कौन से करेक्ट है जल्दी बोल देंगे। सर ये बता दो, ये आता नहीं। फिर भी गर्व, कोई कुछ भी नहीं बोल पाएगा इसमें। सर पता ही नहीं इसके बारे में कुछ। चैप्टर पढ़ा नहीं अभी, नहीं ये जरूर पढ़ना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आंसर है ए, सही ना? आंसर है ए और सी। देखो, अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हेज इन एटमॉस्फेयर। हेज होता है रेडिश ब्राउन कलर का ना, वो कई बार तुमने देखा भी होगा, जब पोल्यूशन होता है रेडिश ब्राउन कलर का हेज आता है, वो होता है NO2 की वजह से, NO2 की वजह से होता है, सही ना? NO2 की वजह से। फिर दूसरी स्टेटमेंट जो है, ओजोन गेट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद सीएल रेडिकल, ये उल्टा बोल दिया इसने, ये उसने उल्टा बोल दिया। इक्वेशन एक्चुअल में ये होती है, ओजोन प्रोड्यूस नहीं होता, O3 में सीएल रेडिकल जाता है। ओजोन तो बन भी नहीं सकता ना इसके, देखो ना ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें। O3 प्लस सीएल रेडिकल तो ये बनता है O2 प्लस OCl रेडिकल, प्लस OCl रेडिकल ये बनेगा, उल्टा रिएक्शन बोल दिया इसने, सही ना? और ये पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स एक्ट एज क्लिंसिंग एजेंट, करेक्ट है ये। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, ये जो डिसीज है ये आती है किसकी डेफिशिएंसी के एक्सेस, किसकी वजह से? नाइट्रेट आयंस की वजह से, नॉट सल्फेट आयंस, ये याद कर लेना जरूर, ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट आयंस जो होंगे, सही ना? और इसमें जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ना, इसका एक्चुअल में नाम होता है मैथिमोग्लोबिनीमिया, याद कर लेना, इसको बोलते हैं मैथिमोग्लोबिनीमिया, मैथिमोग्लोबिनीमिया। मैथिमोग्लोबिनीमिया